बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक देश के डेवलपमेंट और बेटरमेंट को स्पीड देता है उस देश का बजट, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बजट 2023 से भारतीय रेलवे को काफी सारी उम्मीदें हैं। साल 2022 में रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का जाल तेजी से फैलाया था। वो बात अलग है कि आए दिन इन गाड़ियों पर पथराव होता रहता है, वहीं आगे भी इसे लेकर रेलवे ने कई सारी योजनाओं पर काम चला रखे हैं। देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रही है। इसमें ट्रैकों के एक्सपेंशन से लेकर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शामिल है। इन सभी कामों को और तेजी से निपटाने के लिए रेलवे बजट में सरकार से काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में रेलवे के एलोकेशन को बढ़ा सकती है। बता दें कि बजट 2023 की तैयारी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के दिए गए मशवरों पर काम करते हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। खबरों की माने तो रेलवे ने सरकार से बजट में 30% ज्यादा एलोकेशन की मांग की है। आम बजट 2023-24 में सरकार रेलवे को लेकर कई सारे बड़े ऐलान कर सकती है। बजट 2023 से उम्मीद है कि इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। देश में 100 नए वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जा सकता है। इसमें नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा हो सकती है। कोरोना काल से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए छूट दिया जाता था, लेकिन कोविड के बाद से इसे 2019 से बंद कर दिया गया। इसके बाद से ही बुजुर्ग व्यक्तियों को किराए में छूट मिल नहीं पाई। पहले 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को किराए में 40% की छूट दी जाती थी, जबकि 58 साल की महिलाओं को किराए में 50% तक की छूट दी जाती थी। पिछले कुछ महीने में रेलवे ने जबरदस्त कमाई की। रेलवे ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान यानी 9 महीने के दौरान रेल किराए से 48,913 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे की ओर से हुई तगड़ी कमाई को लेकर उम्मीद की जा रही है कि सीनियर सिटीजंस को किराए में छूट मिल सकती है। बता दें कि देश में 2016 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। बजट के कुछ दिन पहले रेल मंत्री इसे संसद में पेश करते थे, लेकिन 2015 में नीति आयोग की एक सिफारिश को मानते हुए सरकार ने इसे अलग से पेश करना बंद कर दिया। आखिरी बार 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में अलग से रेल बजट को पेश किया था, जिसके बाद 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बजट के साथ ही पेश किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो शेयर करें। ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइफ।